जा बे। हनुमान जी ने कहा जाओ आशीर्वाद। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में शुक्ल वंश में गर्ग गोत्र में एक ना एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की, जो आज हमने पूजा की ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9-10-11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी, लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से देखो एक बात, हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए, हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना, और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे, और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया, आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी महाराज जी, हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया, एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला चावल मिला घर ले गए, तब माता जी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा उठा करके दीपक का तेल जलाया, आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती दो दो दिन जलाते थे, आधी अगरबत्ती से आरती कर दी थे बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जगह हो गई, ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है, तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते, तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो, और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते, अब 2 मिनट में मिलना चाहते। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, और हद ये है तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से, तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे जाल नकलियों को मकान टूट जा। इतनी जल्दी श्रद्धा, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब, क्या हुआ दिमाग खराब, अरे हमको दिमाग खराब तो है पर दिमाग खराब में है क्या खराब, ओझा का नाम तो बता, अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं, 4 चाय पी ली हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं, अरे हमका ठटरी के भाई, 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई, समझो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है, हैं? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता फूल आते फिर फल आते, फिर फल खाए जाते फिर पकते फिर खाए जाते, अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी, अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता, दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग एक एक साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें, जो परेशान है देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। अरे भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें,
इसको बढ़वा। हमारी हाथ बात गांठ बांध करके तुम घर जाना, धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से, और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके, दो कौड़ी की बात है, दो कौड़ी की कीमत की वस्तु में मांगते, मकान दुकान निरोगी काया लुगाई लड़का बिजनेस पद प्रतिष्ठा और यश कीर्ति संपत्ति, इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो मेरे पागलों। तो मैं कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया कर। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागल हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता। हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो, आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं विनम्रता पूर्वक, दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। चर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। तो तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है, मेरे पागलों चमत्कार पर्चा में नहीं हनुमान जी की चर्चा में है, चमत्कार मूर्ति में नहीं परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर्द और दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हसीना उड़ आए, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें दो कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, ना तमाशा दिखाने आए, ना प्रदर्शन करने आए, ना तुम्हारे बाप का नाम बताने आए, मेरे पागलों हमारा उद्देश्य कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा है, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और इस भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग गए लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। मेरे पागलों आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें, इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर देंगे।
भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माता टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे? मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्म गुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली थोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते, तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम ये दरबारों के चक्करों में पड़ना, ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहां आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, चल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है, काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तू जानो तुम्हारा काम जाने, उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तब तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, अब वो कोई और नहीं तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना होगी। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं, लेकिन तुम हो नंबर एक के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल लाने और हाथ में फूट कर निकल आए, तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदल लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं, वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है, पर नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो, तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे तुम कह देना कमाते बहुत, रुकता नहीं वो तुरंत हाथ जोड़ के कहे सही पकड़े हो गुरु, इतने में बात ना बने दूसरा ठोक देना है, 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गले ही जाएगा निशान, इतने में भी काम ना पड़े तीसरा टॉपिक छोड़ देना, हमारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो टांग खींचे, और बस एक अपने मन से बता देना का तुम्हें मरघट वाले भूत लग, तो वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता देना क्या आदमी को करे जो, आदमी को करे जो सांप के पांव, आदमी का कलेजा सांप के पांव, पत्थर की जड़,
पत्थर की जड़, नैनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा ये लगेंगे, और वो पूछेगा और ज्यादा ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवा, हाँ हाँ बन जाएगी, शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा मरे हुए शेर का, जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज ऐसी के बंदूक काम नहीं करेगी। अब कौन खत्म ले भी जा रहा है, वो कहेगा महाराज आप ही मंगवा, हाँ मंगवा दे, मंगवा दे, घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक देते, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए, अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे पंडित जी के सो उतर जा। और ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चली, लग कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे जेब ढीली कर रहे, चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाएगी, हद हो गई यार, क्या पागलपन है, और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा, और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना, कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए वो इतना मैं कह दे यार 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तुम माने, तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ, हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पागलो ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है, अरे एक आदमी ही अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ क्या पूछना है, गुरु जी लुगाई कब आई, अगर बता भी दिया जाए चल चिंता मत कर 2025 में आई बात।